हेलो एवरीवन फाइनली कई अटैम्प बाद इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 ट्वेंटी अटैम्प्ट कराई दिया एंड दिस वाज अ वेरी अनयूजअल अटैम्प्ट यूजुअली एग्जाम से स्टूडेंट बाहर निकलता है पूछता है पेपर कैसा गया इस पर्टिकुलर अटैम्प में स्टूडेंट बाहर निकल के पूछ रहा था कल आएगा क्या विद द ऑप्शन ऑफ ऑप्ट आउट अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वॉट रीजन प्लानिंग टू शिफ्ट देयर अटैम्प्ट जैन फेब अटैम्प्ट वर अपन कब से पढ़ रहे हैं दे नॉट एक्चुअली एबल टू मेक दैट 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 गेट मोमेंटम राइट आप लोगों के लिए खास तौर पे लेके आया है कि ये सौगात कि इंस्टीट्यूट ने मे 2021 अटेम्प्ट लिखा है मे ट्वेंटी अटेम्प्ट अगलाटी वन में ही कराएगा अभी कुछ समय बाद बातचीत शुरू हो जाएगी कि uh, क्या वो अटेम्प्ट आगे शिफ्ट होगा या होना चाहिए सो दैट देयर इज एडिक्वेट गैप बिटवीन दिस रिजल्ट एंड दैट बट नेवरलेस मई 2021 का अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने उसके लिए सेपरेट स्टडी मटेरियल सीए फाइनल न्यू कोर्स का अपनी वेबसाइट पर इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसलिए जैन फेब वाले सारे स्टूडेंट अब तहलके में हैं कि यार नया मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा इसलिए पूरी मेहनत करो और अभी के अभी इसको जैन फेम में ही निकाल दो एनी वेज इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो इसमें मैं ऑडिट में जो आपके चेंजेस हुए हैं स्टडी मटेरियल में वेदर दे आर अमेंडमेंट्स और देर आर चेंजेस वॉट ऑल न्यू थिंग्स आर एप्लीकेबल वॉट हैजपन टू द्वेश्चन विद्रॉन एडेड डिलीटेड ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू टू बी फॉर द द स्टूडेंट्स ऑफ़ न्यू वेल ओल्ड कोर्स बिफोर आई कम उनके लिए ए ये स्टडी मटेरियल रेलिवेंट नहीं है लेकिन इस स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने कई नए क्वेश्चन हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन डियर हैज गॉन टू ऑलमोस्ट हंड्रेड, जिसका मतलब इम्पोर्टेंट तो है के लिए आपको कर ही लेना चाहिए क्योंकि बहुत प्रॉबेबिलिटी है ये आने वाले आई एम नॉट हेयर टू एक्साइट यू आई एम राइटन यू इन टर्म्स ऑफ वीट हेज डन ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्यों क्योंकि लास्ट ईयर आई रिमेम्बर इंस्टीट्यूट ने

Uh, I'll not say they are most probable to come but then definitely you can take it as an additional practice question so what we'll do is let's first see ki amendments uh, ia, ia jo naya study material. Hai uh, this is basically an analysis sheet which I'll come to before that uh, let's go to the institute website student Board of studies knowledge portal go to the final course. ओल्ड कोर्स वालों के लिए भी मैं बात करूंगा एंड देन कम टू ऑडिट क्योंकि एफ आर के लिए एल सेपरेटली डिस्कस अभी मैं ऑडिट का वीडियो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑडिट में इंस्टीट्यूट ने सारे मॉड्यूल्स पब्लिश कर दिए हैं कल तक दो ही मॉड्यूल पब्लिश किए थे आउट ऑफ थ्री आज थर्ड मॉड्यूल ऑल्सो इज वाट दे पब्लिश मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन अगर आप देखोगे तो ये आपके मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री इस तरह से इन्होंने सारे नए मॉड्यूल्स पब्लिश कर दिए हैं और अगर मैं इनिशियल पेजेस ओपन करता हूं तो यहां पे इन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि ये जो हमारा नवंबर 2020 यू कैन सी नवंबर 2020 एडिशन है इसमें वेर एल एज इन वेर ऑल वॉट ऑल सो दिस इज़ बेसिकली वॉट हैव रिटन आई हैव दिस विथ मी हियर सो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हमने क्या एडिशन मॉडिफिकेशंस किए हैं तो उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रेफर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन गिवन इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर थियोराटिकल क्वेश्चन टेस्टी और नॉलेज ब्ला 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 इसका मतलब क्या हुआ अनलाइक एफ आर जहाँ पर इंस्टीट्यूट ने ये जो टेबल बनाया है जिसमें बताया है क्या क्या चेंजेस है वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कौन से क्वेश्चन हमने ए ऐड किए हैं बी अमेंड किए हैं या मॉडिफाई किए हैं एज एन उनके आंसर्स चेंज किए हैं है, या उनमें कोई पर्टिकुलर एक एडिशनल या दो एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं ऑडिट में उन्होंने क्वेश्चंस के बारे में कहीं पर भी इनिशियल पेजेस में स्पेसिफाई नहीं किया तो व्हाट वी हैव डन इज कि अपने जो एनालिसिस किया है उसमें आई हैव मेंशन स्पेसिफिकली कि किस चैप्टर में कितने नए क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने ऐड किया आई विल कम टू दैट इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने बताया कि भई ये सारे अलग-अलग तरह के हमने क्या किए अमेंडमेंट्स किए अब ये अमेंडमेंट्स हैं तो इन्होंने कहा है दीस आर एडिशंस ऑब्लिक मॉडिफिकेशंस क्यों जैसे कि अगर आप पहला पढ़ोगे तो इट्स इस इज लिंकेज बिटवीन एसेज एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और लेट्स एस ए फोर जीरो टू और सेवन जीरो सिक्स और सेवन वन जीरो और सेवन टू जीरो तो ये तो पहले भी थे ऐसा तो है नहीं टू थाउजेंड ट्वेंटी में आए और ट्वेंटी वन से अप्प्लीकेबल हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली अ लॉट ऑफ चेंजेस विच हैज़ बीन डन बाई द इंस्टीट्यूट इन योर ऑडिट मोड्यूल इज एक्चुअली अ चेंज बट नॉट एन अमेंडमेंट आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग कई जगह इंस्टीट्यूट को लगता है कि मुझे मटेरियल को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है या लास्ट मटेरियल में कहीं कुछ चीज़ें मिस हो गई थी पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट इन द 700 सीरीज से स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नोट्स थे जो ऐसे भी कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है वहां से एज सच पर से हम एटलीस्ट स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ते हैं तो वहां पे उनको लगा कुछ मिसिंग है तो उन्होंने वहां ऐड कर दिया तो दिस इज एक्चुअली अ चेंज नॉट एन अमेंडमेंट सो लेट मी ही ब्रिंग यू टू माई शीट इसमें अब आप देख सकते हो आई हैव डन इज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वाइज

तो व्हाट आई आई डन हैव मेंशनड हियर स्पेसिफिकली कि इन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में क्या है जो अमेंडमेंट है और क्या है जो एक्चुअल में सिर्फ एक चेंज और इंप्रूवमेंट इन द मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट है ऑल इन ऑल अगर मैं आपको इसकी जिस्ट बताऊं तो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग वन न्यू कोर्स का मटेरियल इंस्टीट्यूट ने नया पब्लिश किया है ओल्ड कोर्स का नहीं किया है क्योंकि जनवरी 17 के बाद ओल्ड कोर्स का मटेरियल इंस्टीट्यूट अपडेट करना बंद कर चुका है सेकंड जो जो अमेंडमेंट्स इस पर्टिकुलर मटेरियल में चेंजेस नहीं वो सारे अमेंडमेंट मेरे हिसाब से ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स पर भी इक्वली एप्लीकेबल है हालांकि उनके मटेरियल को अपडेट करने की जगह इंस्टीट्यूट उनके लिए एक एकेडमिक अपडेट करके पब्लिकेशन निकालेगा जो इंस्टीट्यूट वेबसाइट में ओल्ड कोर्स के अंतर्गत अलग से दिखाता भी है जो न्यू कोर्स में वो नहीं देता क्योंकि वहाँ मटेरियल अपडेट हो गया है तो वहाँ पे आरटीपी में हम सिर्फ बता देते हैं कि क्या क्या एडिशन हुए हैं इसलिए ओल्ड और न्यू की ऑडिट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होने के बावजूद भी उनकी आर या एकेडमिक अपडेट का लेंथ बहुत अलग होता है तो ये ये सारे अमेंडमेंट जो हुए हैं ओल्ड कोर्स के लिए रेलिवेंट है लेकिन उनको उनकी बुक्स में नहीं मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट ने दी है एक एकेडमिक अपडेट के फॉर्म में अलग से इंस्टीट्यूट देगा चेंजेस आई वुड रादर से कि वो इंस्टीट्यूट ने न्यू कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्राइमरली हैं उसका शायद ओल्ड के लिए रेलिवेंस नहीं होगा थर्ड जनवरी 21 फरवरी 21 के स्टूडेंट्स के लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है एक्सेप्ट जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो आप वॉलंटरली चाहे तो एडिशनली देख सकते हैं

कोरोना 2019 भी ऐड कर दीजिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बीच में कुछ कोविड 19 से रिलेटेड एफ पब्लिश किए थे जिसके ऊपर भी काफी एक्साइटमेंट क्रिएट किया गया था अगेन इनलाइटमेंट की जरूरत है कोविड 19 के लिए इंस्टीट्यूट ने बोर्ड ऑफ स्टडीज ने रिप्लाइंग टू द मेल्स क्लैरिफाई किया था कि ये स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेटरी कोर्स का पार्ट नहीं है मेम्बर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे उसी किया था वो अमेंडमेंट नहीं थे हालांकि एफ वगैरह में कुछ लोगों ने बोल दिया कि अमेंडमेंट नहीं है पर अमेंडमेंट जैसा है बड़ा इंपॉर्टेंट है नवंबर अटैम्प्ट के लिए जिससे रिलेटेड आज सच तो नवंबर में कोई क्वेश्चन नहीं है बट ठीक है नॉलेज के लिए आप हमेशा बहुत कुछ पढ़ सकते हो और फिर यही कि आपको जमाने भर की सौ चीज़ें और पढ़ना चाहिए इंस्टीट्यूट की मेम्बर जर्नल भी पढ़ो एजुकेशन मटीरियल भी पढ़ो क्लारीफिकेशन बुलेटिन भी पढ़ो अकेडमिक अपडेट्स के अलावा आप आई की भी अपडेट्स देखो तो वो खैर एक महासागर है लेट्स लीव दैट कोविड so नाइनटीन में जो जो उन्होंने ने दिया था वो था कि कोविड के कारण आपके में example, आप जाके नहीं कर पाओगे तो क्या लगा पाओगे तो देवर गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन बट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज योर कंटेंट हालांकि इंस्टीट्यूट में जो मटेरियल पब्लिश किया है उस पूरे मटेरियल में कहीं पर भी कोविड नाइन्टीन या उसके FAQs के पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक पूरे मटेरियल में कहीं पर भी नहीं किया गया है। सो लेट अस बी वेरी क्लियर कि वो वाले FAQs ने में कहीं पर भी शामिल नहीं किया तो अमेंडमेंट हमारे ऑफ एथिक्स कारो और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी एप्लीकेबल फ्रॉम इसके अलावा छोटे मोटे अमेंडमेंट्स में प्यर रिव्यू में, में है विच इज पार्ट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फिजिकल ऑडिट्स में डेफिनेटली आपके जी एस टी ऑडि में देर आर बी इन लॉड ऑफ चेंजेस रेफर टू एन बी एफ सी में देर आर फ्यू चेंजेस दीज आर पर्टिकुलरली एरियाज जहाँ पे कुछ अमेंडमेंट फॉर्म की चीजें आई हैं अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज बेसिकली एन इम्प्रूवमेंट इन द मटीरियल विच द इंस्टीट्यूट हैज डन तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि अमेंडमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें मुझे चैप्टर्स में मिली है वो मैंने स्पेसिफाई यहाँ कर दिए फिजिकल लॉज में डेफिनेटली

इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री के इनिशियल पेजेस को कंबाइन करके मैंने इस तरह की एक पीडीएफ पीडीएफ बना दी है दैट इज समथिंग आई आई हैव शेयर्ड एम शेयरिंग द टेलीग्राम ग्रुप वहां से आप ले सकते हो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर क्लासेस फॉर ऑडिट हाउ डू दे अपडेट अबाउट इट लेट अस डिवाइड दिस डिस्कशन इनटू टू पार्ट एक जिसने ऑलरेडी ऑडिट पढ़ लिया है देख लिया है लेक्चर्स हो चुके हैं दूसरा जिसने नहीं शुरू किया है या जस्ट शुरू ही किया है पांच दस लेक्चर्स ही देखें लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कोड ऑफ एथिक्स आपको पूरा का पूरा नया देख लेना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट आई विल इन फैक्ट टेल यू कोड ऑफ एथिक्स के हमारे रिवाइज नोट्स भी रेडी हैं। एज़ पर दी इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन सर कल ही तो आया इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गए और ये तो रंग बिरंगे भी दिख रहे हैं थोड़ा डिज़ाइन विजाइन में ही टाइम लग जाता होगा तो देखो दोस्तों ये सारे अमेंडमेंट्स ये जुलाई 2020 में आ चुका था वी वजट एक्चुअली वेटिंग की इंस्टीट्यूट क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करेगा या नहीं करेगा एंड बेस्ड ऑन बेसिकली आर अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी हम थोड़ा बहुत समझते हैं इंस्टीट्यूट से वार्तालाप करके उससे जो समझ में आया उसके बेसिस पे हमने बना दिया था एंड मोरल लेस द इंस्टीट्यूट मटीरियल अपडेटेड इज एक्ली इन लाइन विदेंडमेंट मटीरियल विच वी हैव क्रिएटेड दट ग्रेट सो दैट नाउ वील बी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ दमेंडमेंट डिस्कशंस सो जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उन्हें कोड ऑफ एथिक्स या तो पूरा का पूरा नया देख लेना चाहिए लेकिन मेजर चेंजेस पर से अगर आप देखोगे तो ओवरव्यू क्लॉजेस रिलेटिंग टू बेसिकली सीकिंग वर्क एज इन क्लास सिक्स सेवन आपका इवन क्लॉज एट एन ओ सी ऑफ शेड्यूल वन पार्ट वन एंड कुछ अनेक्शर्स अपेंडिक्स कुछ एडिशनल चीजें जो एड ऑन की गई है यहां पे कुछ कुछ जगह चेंजेस हैं आई विल गिव यू टू थिंग्स a i will share on youtube amendment video for code of ethics as in what has changed from the prior code of ethics to the code of ethics 2020 in your study material relevant for your exams i will share a video of all code of ethics lecture with the students who have taken our video lectures not on youtube and they can if they have not watched or want to completely watch it watch it afresh they can watch those particular videos Similarly, I'll be sharing on the Fast video platform the, uh, the, the website the amendment notes of Code of Ethics. However, I will share the complete drone chart for the students who have taken the video lectures for Code of Ethics. I hope this is clear with you. Is alawa jo amendment hai, wo hai karo 2020 mein, where we will follow the same approach which we will follow for Code of Ethics 2020? Amendment video and notes on YouTube.

कि आपकी बैच जो अभी है वो ले लें उसमें कितना चेंज हो जाएगा तो नाउ आई टेल यू अगर आपने बैचेस रिसेंटली हैं ज्यादा लिएक्चर नहीं देखे हैं ये आप लेने का प्लान कर रहे हैं नीड नॉट वरी वॉट वी डन आपकी पूरी की पूरी ऑडिट बैच जिसे हम ऑडिट फिफ्थ बैच कहते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अपडेटिंग इट एंड बाई फिटीबर यू हैव अंप्लीटली अपडेटेड बैच ऑफ ऑडिट जिसमें आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे बस वही लेक्चर्स हैं जो आपको में 2021 के लिए देखना है अगर आपका उसके बाद है, तो Sir, उसमें किताबों का क्या होगा आपको जान के खुशी होगी कि जो हमने ड्रोन चार्ट्स अभी शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ शुरू किए हैं उसमें ऑलरेडी हमने ये अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए तो कोड ऑफ एथिक्स यही वाला हमने पब्लिश किया है ड्रोन चार्ट आपको वही मिलेगा जिसमें सारे अमेंडमेंट हैं सिमिलरली कंपनी ऑडिट आल्सो आई हैड इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट विच हैड कम डाउन इन सितंबर 2020 इटसेल्फ जिसमें ये चेंजेस को हमने कुछ हल्के से पिंक कलर में इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर दिया है और हाईलाइट कर दिया है कि भाई यह यहाँ यहाँ पर इस इस तरह के चेंजेस हैं जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी के कारण हुए सो दीज ड्रोन चार्ट प्लस तो प्रमानी अगर आप देखोगे तो कंपनीज अमेंडमेंट में चेंजेस बेसिकली सी एस आर का एक इंपॉर्टेंट चेंज है और कुछ कुछ पेनल्टीज है जहाँ पे कहीं कहीं प्रकार के चेंजेस हुए हैंक्शन वन फोटी थ्री फ्रॉड रिपोर्टिंग की पेनल्टी स्टफ़ लाइक दैट नफरा से रिलेटेड कुछ चेंजेस है विच आर देर नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू इन टर्म्स ऑफ ए स्टडी मटीरियल का रेलिवेंस ओल्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या है बी जेन ट्वेंटी के लिए इसमें से सिर्फ क्वेश्चन का रेलिवेंस है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट लेक्चर्स फॉर कारो कोड ऑफ एथिक्स विद कम्प्लीट नोट एज इन द स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए अमेंडमेंट नोट्स अमेंडमेंट विडियोस

i hope i have clarified all the changes you can put your comments and if there are any queries which have left unanswered provided up in the video then you can definitely post it i'll be more than happy to give your answers to it if i'll be sharing a separate video in which you can get this whole discussion about FR, but FR में things are going to be a little different. And before I go, okay, ठीक है, let me tell you something. एक बहुत ही important video December event 2020 के नाम से मैं share करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नई तरह की question bank. क्योंकि institute के study material में नए questions add हुए हैं, and we were hoping कि ऐसा होने वाला है. तो we had actually stopped our question bank publication. Question bank is something which we'll be publishing, incorporating all the institute new questions. which will also have MCQs and integrated MCQs all combined into one question bank and it is coming with some kind of an innovation जिसे आप सिर्फ पढ़ ही नहीं पाओगे आप सुन भी पाओगे जिसके लिए आप एक separate video देखिए ये question bank comprehensive question bank है जिसमें past exam till November 2020 including RTP MTP till November 2020 and study material 2021 Plus, a lot of other questions which we use in the class have all been incorporated along with the answers with proper formatting, highlighting the important points with some additional technological innovation which we have done. I am sure you are going to like it. Do watch that video. Thank you.